तो गाइस कल था ओबीए अपडेट, और आप लोगों को पता है ओबीए अपडेट जब भी आता है तो अपने साथ कुछ दिक्कतें लेके आता है। तो ओबीए अपडेट के बाद जो ब्लू स्टैक के अंदर गेम है फुली क्रैश हो जाती है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आज इसमें देखते हैं। तो जैसे ही आप लोग फ्री फायर नॉर्मल वाली या फ्री फायर मैक्स जो भी आप लोग ओपन करेंगे ना, तो आप लगेगा ब्लू स्टॉक स्टक हो जाएगा, फौरन बंद हो जाएगा, स्टक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये मैंने पाई 64 बिट के ऊपर भी चेक किया और 32 बिट के ऊपर भी चेक किया, दोनों के ऊपर आप लिटरली देख सकते हैं कोई सा भी नहीं ओपन हो रहा और दोनों ही क्रैश हो जाते हैं। तो इसका सलूशन क्या है वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपली जाना है गूगल के ऊपर और वहाँ पे आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है ब्लू स्टैक MSI। ये MSI ब्लू स्टैक के साथ ही सेम टू सेम वर्जन है ब्लू स्टैक का, यानी कि MSI वालों का है। तो इसको आप लोगों ने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है और इसके अंदर गेम को इंस्टॉल करना है सिंपली मेथड में, और सेटिंग सेम टू सेम वैसे ही है जैसे ब्लू स्टैक की है होती है। तो अगर आप लोगों को सेटिंग अच्छी नहीं लगती तो आप लोग मेरी सेटिंग देख लें, सेम टू सेम कॉपी कर लें और इसके अंदर बिल्कुल ये देखें मेरी सेम आईडी चल रही है, देखो रियल वाली रैंक भी आप लोग देख सकते हो सेम टू सेम है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। छोटी मोटी चेंजेस के बाद आप लोग आराम से ब्लू स्टैक के अंदर खेल सकते थे, लेकिन अब अभी इस अपडेट के बाद ना OBE40 अपडेट के बाद ब्लू स्टैक लिटरली फुली क्रैश्ड हो गया है, ओपन ही नहीं हो रहा। आप लोगों को सेटिंग तो करना पड़ेगी उसमें, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं लगता कि ये होने वाला, और ये वाली प्रॉब्लम जो है काफ़ी प्लेयर्स को सामने इसके हैं। तो ये मैंने बना के बता दिया आप लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आप लोगों ने MSI को ओपन डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है, और सेम टू सेम सेटिंग्स आप लोगों की इस वीडियो में दिखाई गई, कॉपी कर लो बस ये लगा दो। वो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, लाइक एंड शेयर मार देना।